नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। इराक में 3 कार बम धमाकों में 57 लोगों की मौत। इराक में हुए 3 कार बम धमाकों में 57 लोगों की मौत हो गई। पहला धमाका दियाला प्रांत में शिया बहुल कस्बे खालिस में हुआ, जहां 35 लोगों की मौत हो गई और 58 अन्य घायल हो गए। ये इलाका पिछले कई महीनों से आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है। दूसरा धमाका बसरा से करीब 50 किलोमीटर दूर अल जुबैर कस्बे में हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। तीसरे कार बम धमाके में 8 लोग मारे गए। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट IS ने बसरा धमाके की जिम्मेदारी ली है। सांप्रदायिक दंगे भड़काने वालों पर कार्रवाई हो, गृह मंत्रालय। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी राज्यों को परामर्श जारी करके धार्मिक भावनाएं भड़काकर धर्म निरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्रालय इस तरह के मामलों को देखने वाले अपने एक अहम विभाग के लिए कोष बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा, कानून व्यवस्था मूल रूप से राज्य का विषय है, लेकिन गृह मंत्रालय दादरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से काफी चिंतित है, लिहाजा उसने सभी राज्य सरकारों को परामर्श जारी किया है। जर्मनी ने भारत को लौटाई मां दुर्गा की दुर्लभ प्रतिमा। जर्मनी ने जम्मू कश्मीर से 2 दशक पहले लापता हुई 10वीं शताब्दी की दुर्गा की एक दुर्लभ मूर्ति भारत को वापस लौटा दी है। जम्मू कश्मीर के एक मंदिर से 25 साल पहले लापता हुई ये मूर्ति जर्मनी के एक संग्रहालय में पाई गई थी। 10वीं शताब्दी की दुर्गा की ये मूर्ति महिषासुर मर्दिनी अवतार में है। मूर्ति तस्कर सुभाष कपूर ने दुर्गा की इस मूर्ति को 1.5 करोड़ रुपए में बेचा था। अमेरिका में आर्ट गैलरी चलाने वाले सुभाष कपूर को बाद में गिरफ्तार करके भारत लाया गया और इस वक्त वो चेन्नई की जेल में हैं।